भाई आगे से तो पूरी खत्म हो चुकी है। स्वागत में लटीना भाई। हाँ, यूपी से कश्मीर चली जाएगी। यहाँ पे देखो पूरा गुलमर्ग हुआ पड़ा है भाई, देख रहे हो फॉग देख रहे हो। हेलो गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जालंधर। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9। आज हम लोग यहाँ से निकले घर की ओर। लास्ट टाइम हम लोग करनाल से जालंधर आए थे, अभी ट्राई करेंगे अगर जालंधर से आगे खींच सकते हैं तो, और अगर नहीं खींच पाए तो करनाल से लेंगे और फिर कल सुबह करनाल से कर पाऊंगे। सुबह आ चुकी है अपनी गर्मा गर्म मसाला चाय। यहाँ पे ना भाई मसाला चाय मिलती है, एक नंबर। और अब भाई ने लगवाया हुआ आलू का पराठा। अभी हम लोग तो नहीं खा रहे, सुबह सुबह मन नहीं कर रहा, बस चाय और बिस्किट लेते हैं। भाई आज के दिन की शुरुआत हुई है डर्ट बाइक को देख के। ये देखो, एक है एक्सपल्स फुली मॉडिफाइड और दूसरी वाली समझ नहीं आ रही कौन सी है, शायद से ये कस्टम है। और दोनों ही बहुत ही खतरनाक मॉडिफाइड कर रखी हैं। अभी पीछे हम लोगों को काफ़ी सारी सुपर बाइक्स देखने को मिली थी। पंजाब का राइडिंग ग्रुप जा रहा था तो उस टाइम में मेरा कैमरा वो नहीं था। हायाबुसा थी, हार्ले फैटबॉब थी, सुपर मीटियोर तो काफ़ी सारी थी। भाई एक और ग्रुप निकला पंजाब का, इस ग्रुप में भी आ गया हायाबुसा है और कुछ हार्ले पीछे भी आ रही है। यहाँ पे वही शायद से ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस कार को देखो, ब्लैक लग रही है ना। अब चलते हैं बराबर से, ये देखो भाई क्या रैप करा हुआ है पीछे, तो ब्लैक लगती है, बराबर में जाओ तो वाइट। हेलो सारे, एक एक हाँ इसी पे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्या नाम है? गोविंद। ओके गोविंद भाई। सो गाइस अभी रुके हुए हैं, यहाँ पे एक भैया ने रुकाया था, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, उसको फोटो क्लिक कराने थे। सो अभी हम लोग यहाँ पे सामने दिख गया एक फूड ट्रक। सो चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 10-15 मिनट का, और उसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उधर जाना भी टास्क है, देख रहे हो कितनी तेज गाड़ी आ रही है। पहले ये वाली लेन क्रॉस करनी है, फिर वो वाली लेन क्रॉस करनी है। बहुत तेज आ रही है भाई ये वाली तो कर ली क्रॉस। अब भाई रह गए पीछे। देखो भाई इसके बाद कोई गाड़ी नहीं, बहुत है गाड़ी तो निकल जाएगी। फाइनली कर लिया क्रॉस रोड। मेन्यू देखो भाई, अब क्या ऑर्डर करें बताओ, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पूछना पड़ेगा। अभी लगवाए राजमा चावल हम दोनों ने, और भाई ने लगवाए कड़ी चावल। तो भाई मस्त खा पी के फिर से राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई अभी ना मैं रुक रहा हूँ बाइक की चेन टाइट कराने के लिए, चेन ना बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, चेन टाइट होनी है। चैन? हाँ चैन? नहीं होगी। सो गाइस अभी लिया है कीमू ब्रेक, कीमू जूस पीने के लिए। इसको कीमू बोलते हैं, संतरा अलग होता है या फिर यही है? पंजाब में ज़्यादा मिलता है, मतलब टेस्ट संतरे जैसा ही होता है। ये वाला हॉट होता है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। अभी मैं पीछे मैकेनिक के पास जा रहा हूँ क्योंकि बाइक की चेन ना बहुत ज़्यादा ढीले हुई है। पीछे काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक मैकेनिक की शॉप दिखी है। भाई चेन टाइट होनी है भाई, यहाँ पे भी मैकेनिक नहीं मिला। तो गाइस हम लोग करनाल पहुंच चुके हैं। पूरी ट्रिप में एकमात्र यही दिन है जिस दिन हम लोग अपनी मंजिल पे टाइम से पहले पहुंच गए। अभी हम लोग रुके हैं करनाल हवेली, यहाँ पे काफी कुछ है, KFC, बर्गर किंग, स्टारबक्स। तो अभी KFC जा रहे हैं। तो गाइस आ चुकी है अपनी मील, मैं लिया है बन चिकन पीस विद टमाटो सॉस। तो खाते हैं और इसके बाद चलते हैं कहाँ पे, बर्गर किंग। तो अभी बर्गर किंग जाना है भाई। यहाँ तो आप कैमल राइड भी ले सकते हो, लेकिन फ्री में नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे इसके। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई ढोल मोल बज रहे हैं यहाँ तो स्वागत में। वो वाली आइसक्रीम जो बहुत देर में देते हैं हाथ में। अभी आ चुके हैं भाई बर्गर किंग। गाइस बर्गर किंग की मील भी आ चुकी है, ये है फ्राइज एंड बन बर्गर बरगद।
ये देखो बड़ा खुशनुमा माहौल है। ये देखो अंकल फिर से आ गए, ये वाले लंबे वाले चार पाई पड़ी हुई है। और अभी देखो मैंने टिकट ली है बुल राइड की, तो बुल राइड करते हैं। पहली बार मैंने देखा तो वीडियो में काफी बार है ये वाली। भाई बूट उतार दिए मैंने और सॉक्स देखो मेरे अलग अलग पहने हुए हैं। कैसे काम करते हो ये? मेरी भी दोनों सेम है, अलग अलग है मेरी भी। भाई मेरा बूट बिक गया था ना तब अलग अलग हो गए थे। सो अपना बुल रेडी है, चलते हैं। गाइस गेट रेडी फॉर बुल राइड। गाइस देवल भाई थोड़ी बहुत देर में गिरने वाले हैं। भाई अभी मैं बैठा हूँ, दो राइड अपनी हो चुकी हैं और चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ घूम रहा है। और इधर देखो भाई ये वाला बहुत सही है, लेकिन ये मुझे कराएंगे नहीं, ये बच्चों के लिए है। काफी टाइम हो गया करनाल हवेली में, खा लिया पी लिया, बोल राइड भी ले ली, अब चलते हैं करनाल। यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है, 7-8 किलोमीटर। भाई लोग करनाल सिटी पहुँच चुके हैं, करनाल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, तो अभी जाएंगे रूम लेंगे आराम करेंगे और सुबह उठ के फिर से निकल जाएंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। कल का स्टे हम लोगों ने करनाल लिया था और अभी सुबह सुबह निकल चुके हैं करनाल से। सबसे पहले कराते हैं इसकी चेन टाइट, बहुत ज़्यादा लूज हो रखी है। हाँ नहीं वापस आ गए, वापस आ गए। हाँ हिम्मत कर दी मुकाबले तो। हाँ इससे माड़ा भी गया था मैं कश्मीर से पहले। तो स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं, कितना टाइम लगा भाई? आज हो गए 13-14 दिन हो गए। मेरा 14 दिन हो गए। रहना खाना कैसे में? रात को रुकते हैं जहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। भाई लोग अभी रुकाता मैं बाइक की चेन टाइट कराने के लिए। सो सेम वही रिएक्शन मिला जो हमें हर किसी की तरफ से देखने मिलता है कि प्लेटिना से कश्मीर चले गए, बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। सो भैया बोल रहे थे एक स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं ले लेता, तो मैंने कहा भैया स्पोर्ट्स बाइक है लेकिन अभी मैं छोटी बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ कि छोटी बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं। भाई आज तो कोहरा हमें बहुत ही ज़्यादा देखने मिल रहा है। आज हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे और हमने सोचा था कि जल्दी निकल लेंगे आज, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था, देख रहे हो अभी इतना ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम पहले कितना होगा। कल दोपहर तक हम लोग अपने शहर कासगंज पहुंच जाएंगे और कासगंज पहुंचने के बाद अपनी ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो कल के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा मीटअप भी रखा हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे दी थी, तो ब्लॉग से पहले इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट मैं दे देता हूँ। तो जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। सो मीटअप का प्लान ऐसे ही रैंडमली बना था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये अपना फर्स्ट मीटअप है। कल हम लोग करनाल पहुँचे तो हल्की हल्की गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, तो आज मैंने विंटर पेंट नहीं पहना, मैंने कहा अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इनर भी उतार दी, लेकिन भाई अब लग रही है सर्दी पैरों में। भाई यहाँ पे देखो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ये शायद से अभी हुआ है फिलहाल में फॉग की वजह से। ये देखो इधर कूलेंट भी पड़ा हुआ है इसका। हाँ हाँ कोहरे के चक्कर में ही हुआ है, इधर कर लो बाइक। भाई आगे से तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, चंडीगढ़ की है गाड़ी। भाई एक और देखो एक्सीडेंट देखने को मिला है यहाँ पे, ये देखो पत्थर वत्थर रखे हुए ना, तो शायद से इसी में लगी है। और गाड़ी की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, लेकिन ये एक्सीडेंट फिलहाल में ही हुआ है। ये देख रहे हो गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, शीशे पड़े हुए हैं, धूल देखो यार, ऐसा लग रहा है कि 1.5 महीना हो गया गाड़ी को यहाँ पे खड़े खड़े। देख रहे हो कुछ भी नहीं बचा आगे से। ये एक्सीडेंट शायद से रात में हुआ होगा, वरना अगर कल भी होता ना तो ये साफ हो जाता। तो गाइस अभी लिया है एक छोटा सा ब्रेक खाना खाने के लिए, 12 बज चुके हैं और धूप भी निकल चुकी है। आधा घंटे पहले ही धूप मिलना स्टार्ट हुई, वरना भाई कोहरा ही कोहरा था। अब तो काफी अच्छा मौसम हो गया, तो खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। मेरठ यहाँ से अभी करीब 35-40 किलोमीटर बचा होगा, 30 है। भाई लोग ये वाला लंच ब्रेक काफ़ी लंबा खिंच गया, 2 घंटे हो गए हम लोगों को, बैठ गए उठने का मन ही नहीं हुआ, अब निकल रहे हैं यहाँ से। 12 बजे आए थे हम लोग, 2 बज गए। भाई गोप्रो गंदा हो रहा है, अब ठीक है। हाँ यूपी से कश्मीर कासगंज चली जाएगी, आ गए घूम के। हाँ कासगंज, ये भाई एटा का है, मैं कासगंज का हूँ, ये भी कासगंज का है। हाँ इससे पहले प्लेटिना से माणा गए थे। माणा हाँ
ओके मुझे लगा शायद चेकिंग के लिए रोकेंगे लेकिन पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो भाई। प्लेटिना के साथ बड़े ही खतरनाक रिएक्शंस मिले हैं पूरी ट्रिप में। कई रिएक्शंस तो ऐसे जो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं क्योंकि हमेशा कैमरा ऑन नहीं होता ना भाई। लोग अलीगढ़ बचा है ओनली 99 किलोमीटर्स। भाई लोग टाइम हो रहा है शाम के 6। हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अलीगढ़ पहुंचते ही मुलाकात हुई है ट्रैफिक से, वो भी तगड़े वाले से। तो आज का स्टे हम लोग अलीगढ़ लेंगे और कल निकलेंगे कासगंज के लिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, देखते रहो ऐसे ही। ओके गाइस, आज हम लोग रुके हुए थे रामघाट रोड और अपने सभी अलीगढ़ के भाई आ चुके हैं। तो अभी जाते हैं, पहले हिमांशु भाई घर सामान वगैरह रखते हैं, फिर आएंगे घूमने घामने के लिए। भाई ट्रैफिक चेक कर रहे हो अलीगढ़ में? ये लेन तब भी खाली, वो वाली देखो, अभी उसी लेन से आया था मैं। गाइस हिमांशु भाई के घर गए थे, वहाँ पे सामान वगैरह रखा और वहाँ से फिर आ गए थे खाना खाने के लिए। तो आज का डिनर अपने सभी भाइयों के साथ हुआ, एक नंबर। और यहाँ पे देखो पूरा गुलमर्ग हुआ पड़ा है भाई, देख रहे हो फॉग, देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। आज सुबह भी बहुत फॉग मिला था, अलीगढ़ को बना दिया गुलमर्ग। मैंने कहा डेविल भाई आ रहे हैं वहां से, तो उन्हें ऐसे नेचर में आदत हो गई है ना, तो वो बुला लिया मैंने। तो अभी रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं। भाई कोहरा देख रहे हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस लाइट दिखाई देती है कि कुछ आ रहा है। अगर किसी गाड़ी में लाइट ना हो तो वो भी पता नहीं चलेगा। ये तो वैसा वाला सीन हो रहा ना, कार की सवारी, बाइक चला चला के मन भर गया है फिलहाल के लिए, इतनी ज्यादा बाइक चला ली। तो अभी घूम रहे हैं अलीगढ़ की गलियों में। गली नहीं है, रामघाट रोड। ओ माय गॉड, गली बता रहे हो यार, तो हमारे अलीगढ़ की महंगी एरिया को। महंगा एरिया है ये, महंगा एरिया है अलीगढ़ का। सो अभी निकले हैं फैल्कॉन राइडर के साथ। इस गली में आप जाओगे ना तो भाई यहाँ पर है ना एक एक दुकान करोड़ों रुपए की है। ठीक है, समझ गया मैं आपके, मैं आपकी बातों को समझ गया। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं द वेनम राइडर 87 को, वो एक दोस्त से मिलने चला गया था। सो गाइस वेनम राइडर इज हियर, हियर इज योर बाइक ब्रो। आराम कर रही है भाई, बंदा 7 बजे अलग हुआ था, आज 11 बजे मिल रहा है।